नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा जो प्लांट है वो क्रोसेंड्रा का प्लांट है। तो क्रोसेंड्रा का प्लांट करूँ तो साउथ में इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका बहुत यूज़ किया जाता है गजरे में, और इसकी ब्यूटी शायद कैमरे में कैच करना मेरे लिए मुश्किल हो। बहुत ही प्यारे से मस्टर्ड येलो कलर के ये फ्लावर्स हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इस प्लांट की, तो जब भी आप ये प्लांट लेकर आते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं, तो इसको एक छोटे से 8 इंच के पॉट में एक बहुत अच्छी रिच सॉइल बनाकर इसको लगाइए। आप देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। साथ ही साथ इस प्लांट को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इस प्लांट को हर सीज़न से थोड़ा सा सेव करके रखा है मैंने इस प्लांट को। तो दोस्तों, ये बैल्कनी में रखा हुआ है जहाँ पर इसको सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिलती है। और अगर बात करें तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर इसको थोड़ी सी केयर के साथ रखा जाए तो ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है। और अगर दोस्तों बात की जाए तो थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद करता है अपनी सॉइल में, तो आप इसमें कोको पीट भी ऐड कर दीजिए। और ज़्यादा केमिकल का या ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हर ब्रांचेस पे इसके फ्लावर्स हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए इसकी कटिंग से ग्रो करने की, तो मेरी कटिंग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। और बीजों से भी इसके, क्योंकि मैं बीज बनने ही नहीं देती, क्योंकि मुझे मेरा प्लांट्स कहते हैं बीज बनने के बाद कभी कभी प्लांट ख़राब भी हो जाता है, तो अभी तक बीज से ग्रो करने का या कटिंग से ग्रो करने का मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं तो 80 to 100 rupees में आपको ये नर्सरी से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कितनी आपकी बालकनी की ये शोभा बढ़ा देता है। और कम सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, तो जैसे कि हम फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, और बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। अगर आपके गार्डन में नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप इसे बहुत ऐड कीजिए, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।